यूट्यूब पे सरवाइव करना है आपको तो इस चार पॉइंट्स को गांठ बांधना पड़ेगा। अगर इस चार पॉइंट को आपने गांठ नहीं बांधा, ठीक है, तो आप यूट्यूब अभी से छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए यूट्यूब बना नहीं है। ठीक है, आपको इस चार पॉइंट्स को गांठ बांध करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यूट्यूब पे सरवाइव कर पाओगे और यूट्यूब से कुछ पैसे कमा पाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आते हैं नया नया यूट्यूबर, चैनल यूट्यूबर आता है और यूट्यूब बन जाता है, मतलब एक दो वीडियो डालता है, वो अपने आप को यूट्यूबर समझने लगता है। ठीक है, वीडियो डाला, एक महीने वीडियो डाला, आज डाला, कल डाला, परसों डाला, कभी किसी नीच पे, कभी किसी नीच पे, कभी कुछ डाला, ना कुछ सीखा ना कुछ किया, और डायरेक्टली एक डेढ़ महीने बाद कहता है मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूँ। ठीक है, तो किसी चीज का ना कोई तरीका होता है। मेडिसिन जो जैसा किसी का तबियत खराब होता है तो जो मेडिसिन लेता है, मेडिसिन टाइम से लेता है, पता चले डॉक्टर ने बोला है कि तीन टाइम का दवाई दे रहा हूं, सुबह शाम दोपहर को लेना, सुबह शाम और रात को लेना। ठीक है, अब आपने क्या किया, सुबह लिया, एक अगले दिन लिया, फिर एक अगले दिन लिया, ये गलत है। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसू और आप देख रहे हैं टेक्नोलहरे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको यूट्यूब पे सर्वाइव करना है, अगर आपको यूट्यूब पे पैसा कमाना है तो आपको इस चार पॉइंट्स को गांठ बांधना पड़ेगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, चार पॉइंट को गांठ नहीं बांधूंगा, तो वीडियो छोड़ दो, आपके लिए यूट्यूब नहीं है। आपके लिए क्या, जिसकी भी ऐसी ऐसी थिंकिंग है जो इस चार पॉइंट को गांठ नहीं बांधना चाहता है, वो कभी भी यूट्यूब पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चार पॉइंट को गांठ बांध लो। जो नया यूट्यूबर बनता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करता है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल किसको सब्सक्राइब करता है, बड़ा बड़ा मतलब जिसका 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, या 1 मिलियन से ऊपर का सब्सक्राइबर है, उसको फॉलो करता है। और फॉलो करने के बाद क्या करता है, उसी के टाइप का वीडियो बनाता है। अब जैसे मनोज दे का वीडियो है, मनोज दे का वीडियो आप देखा कि उसने ये है, तो वैसे वीडियो बना दिया। मनोज दे पे कितना आता है, मनोज दे पे सब्सक्राइब व्यू आता है 24 घंटे में कम से कम तो 2 लाख। ठीक है, अब नया नया यूट्यूबर है, मैं हूं नया नया यूट्यूबर, अब मैं उसको देख करके उसी टाइप का वीडियो बना दिया, मेरे पे कितने आए हैं, 10 से 15 व्यू 50 व्यू। अब डिमोटिवेट का यही कारण होता है, अरे यार उस पे तो 2 लाख आ गया, मेरे पे 20 सब्सक्राइबर आया है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे भैया क्यों नहीं समझ रहे, वो ऑलरेडी 7-8 साल दे चुका है उस चीज को, आप किसी के बराबरी कैसे कर सकते हो, वो भी उसके बराबरी करो। आप फॉलो उसको करो जो 100 सब्सक्राइबर से लेकर के 10,000 सब्सक्राइबर तक का हो, फॉलो उसको करो, इसको फॉलो करोगे तो आप फायदे में रहोगे, और अगर आप 1 लाख से ऊपर वाले सब्सक्राइबर को फॉलो करोगे तो आप घाटे में रहोगे। घाटे में आपको यूट्यूब चैनल छोड़ के जाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी इस चार पॉइंट को गांठ बांध लो। पहला मैं बता रहा हूं आपको कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि एक टाइम फिक्स करो कि आपका कितने बजे आपको वीडियो अपलोड करना है। जैसे कोई सा भी टाइम ले लो, आप शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में कोई सा भी टाइम आप ले लो, ठीक है, 3 ले लो 4 ले लो 3.5 ले लो 5 ले लो 5.5 ले लो, ये कोई टाइमिंग एक फिक्स कर लो, ये टाइम फिक्स हो गई आपकी, पहला पॉइंट। दूसरा, रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, रेगुलर मतलब पर डे एक वीडियो आना है। आप पेट दर्द है, खाना नहीं खाया है, शादी में जाना, इधर जाना, उधर कहीं जाओ, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है, एक वीडियो पर डे आनी चाहिए। 2 पॉइंट्स हो गया आपका, ये पर डे होना चाहिए। आप अगर कहीं जाना चाहते हो, जैसे कल आपको किसी के शादी है, किसी का सगाई है, कुछ भी है, A to Z, किसी का तबियत खराब है, देखने जाना है या शादी में जाना है, आपको क्या करना है, एक वीडियो बना करके कल के लिए आपको रख लेना है, और कल के लिए नहीं, इवन परसों के लिए भी रख लेना है, क्या पता परसों वापस लौट के घर पे आओ या वही काम में फंस जाओ। तो इसलिए ये चीजें जरूर नोट करना, ठीक है, कि आप 2-3 वीडियो बना करके एक्स्ट्रा चला करो हमेशा। ठीक है, अब ये हो गया 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बना करके चलो, टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। दो चीजें हुआ, तीसरा एक चीज और मैं बताता हूं, तीसरा ये है कि आप जब भी वीडियो बनाएंगे तो अपने निश पे बनाएंगे, निश मतलब अपने टॉपिक पे बनाएंगे। पता चला आप टेक की वीडियो बना रहे हैं, उसमें ब्लॉग की भी वीडियो डाल रहे हैं, उसमें रिव्यू का भी वीडियो डाल रहे हैं, नहीं, आप टेक का वीडियो बना रहे हो तो अभी फिलहाल सिर्फ टेक का ही वीडियो बनाना है, ठीक है, सिर्फ टेक का ही वीडियो बनाना है।
अब कहोगे कैसे बनाए टेक का वीडियो, टॉपिक नहीं समझ आ रहा है। टॉपिक के लिए आप एक नोटबुक रखो, उस पर डे आप नोट करो, ठीक है। 1 से 30 तक जब आपने वीडियो बनाया ना, 1 से 30 महीने तक, 1 से 30 दिन तक, तो 30 दिन तक, जैसे 30वां दिन आपने टॉपिक खत्म, मानो आपके पास खत्म हो गया। अब एक तारीख आ गया तो अब क्या बनाऊं, तो एक तारीख को पिछले महीने बनाया था, आप उस वीडियो को बना सकते हो, ठीक है। उस वीडियो को आप बना सकते हो और उस पे बनाओगे। और दूसरी चीज और कि जब भी आप एक तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो भी आप वीडियो बनाते हो, इसके बीच में कोई एक ऐसा वीडियो जरूर होगा, वो सबसे ज्यादा व्यू लेके आएगा, जरूर होगा वो। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको करना है जो कॉपी करना है उसको, उसके टैग को, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, और वो सेम वीडियो मतलब वो फिर से शूट करना है आपको, और वो फिर अगले दूसरे तारीख को आप डाल सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो या फिर पीछे से ले सकते हो, टॉपिक जैसे नहीं आ रहा है, अब 2 तारीख को आपने पिछले महीने जो वीडियो डाला वो आप अगले 2 तारीख को डाल सकते हो, ठीक है। 3 तारीख को जो डाला अगले 3 को डाल सकते हो, लेकिन जो बीच में जो वायरल हुआ है वो सबसे पहले डालना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ये चीजें हो गया। प्लस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको भी चैनल को प्रमोशन कराना है, जितने भी हमारे जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, उनका वॉच टाइम पूरा करवाना है या फिर उनको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, उसके लिए मैं लाइव आने वाला हूँ। लाइव आकर के मैं आपके चैनल का प्रमोशन कराऊंगा, वॉच टाइम पूरा कराऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि वॉच टाइम आप पूरा कैसे करते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है 5 सालों का है। मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है पहले, इस चैनल पे मैं दूसरा बार काम कर चुका हूँ, करना स्टार्ट किया हूँ। अब कहोगे कि आप फिर तो वो नहीं हो रहा, तो देखिए मैं क्या कर रहा था कि पहले वीडियो बना तो रहा था, लेकिन पहले मैं दूसरा रिलेटेड वीडियो बना रहा था, ठीक है। उस पे व्यू मेरे आ रहे थे, बट मैंने निश चेंज कर दिया है अभी, ठीक है। निश चेंज करके मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि लाइव मैं आना चाहूं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि हाँ आप लाइव आओ, ठीक है। मैं आपका चैनल चेक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा 2000 सब्सक्राइबर है तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 लाख सब्सक्राइबर का चैनल था मेरे पास, ठीक है। तो मैं आपका चैनल चेक करूंगा, चैनल चेक करके आपको बताऊंगा भी। मैं ये उनको बता रहा हूं मैं जिनका 1 सब्सक्राइबर से लेकर के 1000 के बीच में है, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको बेनिफिट कराना है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं जब लाइव आने वाला आऊंगा 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद, फिर आपका चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा, ठीक है, प्रमोशन करवाऊंगा आपके चैनल को, ठीक है। प्लस गिव अवे करूंगा, सिर्फ ये सारी चीजें गिव अवे कराऊंगा, चैनल प्रमोशन करूंगा। और वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा, इसका एक बेसिक फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि आपको वॉच टाइम कैसे आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सबसे जो टिपिकल कांड होता है ना, सबसे ज्यादा टिपिकल होता है आपको 4000 घंटा वॉच टाइम ही टिपिकल होता है, क्योंकि आप सब्सक्राइबर भी इससे करा करके उससे करके करा लेते हैं, बस जो वॉच टाइम होता है ना, वो वॉच टाइम आपसे मुश्किल हो जाता है, और आप नए नए होते हो, आपको डिमोटिवेट हो जाते हैं और इसलिए छोड़ देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आप छोड़ना नहीं है वीडियो, जितने भी मैं उनको बता रहा हूँ 1 सब्सक्राइबर से लेकर के 1000 सब्सक्राइबर बीच में वीडियो छोड़ना नहीं, मतलब वीडियो बनाना छोड़ना नहीं, वीडियो आपको बनाते रहना है। और मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और जो जो मैं ट्रिक बताऊंगा जैसे जैसे आप उसको फॉलो करो। नहीं अगर होता है कुछ प्रोसेस तब मुझे आप बताना, मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है बहुत जल्दी मैंने मोनेटाइज करा लेते, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस था इसलिए। लेकिन बीच में मैंने क्या किया, 1 साल के लिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, भी पिछले 1 महीने से मैं अपडेट होना स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं अपडेट रहना स्टार्ट कर दिया, तो वीडियो मैंने 6-7 महीने 8 महीने मतलब छोड़ ही दिया था वीडियो बनाना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों से थैंक यू सो मच।